अस्सलाम वालेकुम बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे जी बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर वन है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर वन है और उसका सवाल नंबर एक और दो पढ़ेंगे ठीक है और हमारा मान है जग्राफ़िया जी सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसी मुल्क के सवाल नंबर एक किसी मुल्क के मोहल्ले वकू से क्या मुराद है किसी मुल्क के मोहल्ले मोहल्ले वक़ू से क्या मुराद है जी बच्चों तो इसका जवाब है किसी मुल्क के हदूदरबा को इसका मोहल्ले वकू कहते हैं मतलब इसके एरिया को मोहल्ले वकू इस मुल्क की आबो हवा और ज़मीनी खुशियात पर असर डालता है इसके अलावा वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी और रहन सहन के तरीक़ों पर भी मोहल्कू का बड़ा असर होता है जी बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था कि जो मोहल्कूह है किसी मुल्क का मोहलकू उससे आप क्या मुराद लेते हैं तो उसमें उस मुल्क का हदूद दरबा शामिल होता है उसकी आबो होवा शामिल होती है और उसकी आबो हवा डेफ़िनेटली वहाँ के रहने वाले लोगों पर इफ़ेक्ट करती है असरअंदाज होती है ठीक है अब हम आते हैं पाकिस्तान का नक्शा पाकिस्तान के नक्शे की तरफ जी बच्चों ये पाकिस्तान का एक मैप उसकी डायग्राम आपको दिखाई जा रही है जहाँ पे पाकिस्तान के नक्शे के अंदर जो आपको मुख्तफ मशहूर तरीन जो सिटीज़ हैं मशहूर तरीन जो शहर हैं पाकिस्तान के वो नज़र आएंगे लेकिन अगर हम नक्शे से बाहर की तरफ नज़र दौड़ तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द कौन कौन से ममालिक शामिल हैं जिनमें चीन है अफगानिस्तान है हिंदुस्तान है बहिया अरब है और ईरान है ये पाकिस्तान के हमसायब ममालिक में आते हैं जी अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ सवाल नंबर दो है पाकिस्तान का मोहलकू बयान करें जवाब पाकिस्तान का महल को तो बेटा मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ बताती जाऊँ कि महल एक जगह को कहते हैं और वो कहते हैं उस जगह का वाक़ होना कि एक जगह यहाँ एक बहुत बड़ी रकबे की जगह वो कहाँ वाक़ है और किधर वाक्य है और इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी जगह वाक्य हैं या कौन कौन से शहर या कौन कौन से ममालिक कौन कौन सी चीज़ें वाक़ हैं तो अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े बड़े अजम एशिया में वाक़ है हमारा मुल्क जनूबी एशिया के शुमाल मगरब और मगरब में वाक्य है पाकिस्तान के शुमाल में चीन पाकिस्तान के शुमाल में चीन मशरक़ में भारत मगरब में अफगानिस्तान और ईरान जबकि जनूब में महिला अरब वाक़ है जी बच्चों ये था पाकिस्तान का मोहल्व को और आपको मज़ीद मैं इसको डिटेल से बता दूँ कि पाकिस्तान जो है दुनिया के सबसे बड़े बड़े अज़म में वाक़ है बड़े अजम मतलब खुशकी का ख़ा दुनिया में कुल सात बड़े बड़े अज़म हैं जिनमें से सबसे बड़ा बड़े अज़म है वो है एशिया जिसमें कि हमारा मुल्क वाक़ है इसके बाद आते हैं पाकिस्तान के हम साब ममालिकरफ़ जो किए हैं भारत है अफगानिस्तान है ईरान है चीन है, और इसके बाद हम आ जाते हैं कि बहेरा अरब जो है वो भी पाकिस्तान के एक साइड पे है बहेरा अरब जो है बेटा वो समंदर है वो दुनिया का बहुत बड़ा समंदर बड़ा सबसे बड़ा समंदर है ठीक है और जब आप ये वर्ड पढ़ोगे ना तो आपको फॉरन माइंड में आना चाहिए कि बहेरा अरब का मतलब क्या है इसका मतलब है समंदर ये आपका सवाल नंबर दो था उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अब हम आते हैं डायरी की तरफ तो यूनिट नंबर वन है सवाल नंबर एक और दो है लिखना और याद करना है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को लिखना भी है और याद भी करना है ताकि आपकी इमला जो है वो बेहतर हो जाए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़